रेल लगातार काम कर रही है। मालगाड़ी से लेकर लगातार ढुलाई के साथ ही रेल कोच फैक्ट्री में भी निर्माण का कार्य चल रहा है। पेश हमारे संवाददाता राजेश राज की यह खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान भी भारतीय रेल का समर्पण भाव कम नहीं हुआ, बल्कि और भी बढ़ गया। सवारी गाड़ियां भले ही बंद रही हों, लेकिन मालगाड़ियों ने देश के सुदूर हिस्सों तक जरूरतमंदों को सामान पहुंचाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। और तो और, लॉकडाउन के दौरान समय का सदुपयोग करते हुए भारतीय रेल ने एक तरफ जहां अपनी पटरियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया, वहीं बंद पड़े रेल कोच फैक्ट्री में भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पंजाब के कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए निर्माण कार्य चल रहा है। इस समय हमें सिर्फ ये चैलेंज है कि बिना मटेरियल रहते हुए किस तरह से कौन सी कोशिश को हम पूरा करके बाहर निकालें ताकि उसका आउटकम फिजिकली हो, और बाकी जो नहीं हो रहा है उसमें 30% मैन पावर का जो मैन आवर है ना, उनका इनपुट गाड़ियों में जाए ताकि जैसे खुलता है और माल आता है तो हम एक साथ तेजी से फिर बड़े नंबर में कोशिश निकालें। तो हमारा इस साल का टारगेट पिछले साल के टारगेट से करीब 200 कोच ज्यादा है। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में 7,400 कर्मचारी कार्यरत, जिसमें 33% कर्मचारी रोस्टर में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी नई दिनचर्या में स्वच्छता को शामिल किया है और एक नए टारगेट पर वो काम कर रहे हैं। इस कोच फैक्ट्री से पिछले साल 1,342 कोच का निर्माण हुआ था। इस बार लॉकडाउन के बावजूद भी 1,937 कोच निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए भारतीय रेल ट्रेनें चलाकर लगातार उन्हें राहत देने की जहां कोशिश कर रही है, वहीं रेल कोच फैक्ट्री में भी अब काम शुरू हो गया है। कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री का काम भी शुरू हो गया है और कर्मचारी दोगुनी ताकत के साथ अपने काम में जुट गए हैं और अपने अचीवमेंट्स को पाने के लिए लगातार मशक्कत भी कर रहे हैं। राजेश राज, डीडी न्यूज़।